हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जून। आज के इस वीडियो में मैं आपको ईपीआरजी ओरिएंटेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईपीआरजी ओरिएंटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसके डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दे दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो उसे जा कर के देख सकते हैं। तो ईपीआरजी ओरिएंटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म, लेट अस एग्जामिन विच ओरिएंटेशन शुड वी अडॉप्ट एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस शुड ईच ओरिएंटेशन बी एम्प्लॉयड। तो हम लोग को ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि कौन सा ओरिएंटेशन अडॉप्ट करना चाहिए और कैसे सर्कमस्टांसेस में उस ओरिएंटेशंस को एम्प्लॉयड करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन की। दिस अप्रोच अपीयर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन ओवरसीज सेल्स वॉल्यूम इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द टोटल सेल्स ऑफ द फर्म। ये अप्रोच अपीयर तब जब सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट तब होता है जब ओवरसीज सेल्स का जो वॉल्यूम है वो इनसिग्निफिकेंट हो इन कंपैरिजन टू द टोटल सेल्स ऑफ द फर्म। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स मे नॉट बी सफिशिएंट टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर डिटेल्ड मार्केटिंग रिसर्च। तो जो वॉल्यूम है सेल्स का वो सफिशिएंट नहीं भी हो सकता है मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए जो कि मार्केटिंग रिसर्च को डिटेल में समझने के लिए ज़रूरी हो। एंड अदर एक्टिविटीज़ एम्ड एट टेलरिंग द मार्केटिंग पॉलिसीज टू सूट द ओवरसीज मार्केट। और भी दूसरे एक्टिविटीज़ जो कि एम करते हैं टेलरिंग में मार्केटिंग पॉलिसीज़ को जो कि सूट करता है ओवरसीज मार्केट को। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड इज दैट इट इंटेल्स मिनिमम रिस्क ऑफ द पार्ट ऑफ द फर्म। तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है इस टाइप का ओरिएंटेशन का कि ये इंटेल्स करता है मिनिमम रिस्क को ऑन द पार्ट ऑफ द फर्म। फर्म के पार्ट में मिनिमम रिस्क को इंटेल्स करता है। सिंस नॉट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन ओवरसीज ऑपरेशंस। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो सब ओवरसीज ऑपरेशन में नहीं होता है। इन दिस इवेंट ऑफ द फेलियर ऑफ ओवरसीज फ्रंट द फर्म कैन अडॉप्ट द शॉक विदाउट मच डिफिकल्टी। तो ऐसे इवेंट में मतलब फेलियर जो होता है ओवरसीज फ्रंट का, तो ऐसे इवेंट में क्या होता है फर्म जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो शॉक को बिना कोई डिफ़िकल्टी के, मतलब बिना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी के। बट द ड्रॉबैक इन दिस अप्रोच इज़ डैट दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड मे मीन पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज टू द फर्म। तो इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ऐसे अप्रोच में क्या होता है मतलब ये इस टाइप का जो एटीट्यूड है वो पॉसिबिलिटी है लॉस्ट का, मीन्स फर्म का जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो लॉस्ट कर देता है, उसको वो भुला देता है, खो देता है कहीं ना कहीं। एथनोसेंट्रिक अप्रोच विल बेटर सूट स्मॉल फर्म्स जस्ट एंटरिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो ज़्यादा अच्छा सूट करता है वो स्मॉल फर्म्स को जो कि जस्ट इंटरनेशनल ऑपरेशन में एंटर किए ही है। When a company is small and is not in a position to invest heavily in overseas operation, it is better for it to identify countries which have characteristics similar to those of the home country and export to them. तो क्या होता है ये कंपनी जो है वो स्मॉल, जब कोई भी कंपनी जो क्या है स्मॉल होता है ना तो वो एक ऐसा पोजीशन में नहीं होता है कि वो ओवरसीज़ ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट कर सके। तो इसके लिए बेटर यही होगा कि वो आइडेंटिफाई करे कंट्रीज़ को जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर हो होम कंट्री के, मीन्स जहाँ का वो है वहाँ का करेक्टरिस्टिक्स दूसरे कंट्री के करेक्टरिस्टिक्स को
सिमिलर बताए यानी कि मैच करें और फिर वो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सके। ऑन दी अदर हैंड दिस ओरिएंटेशन विच इनवेरिएबली रिजल्ट्स इन लैक ऑफ अटेंशन टू कस्टमर्स एंड मिनिमम डिग्री ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज नॉट सजेस्टेड फॉर कंपनीज विच आर प्लानिंग टू एक्सटेंड देयर इंटरनेशनल ऑपरेशंस इन अ बिग वे। तो क्या होता है ना कि ऐसा ओरिएंटेशन जो है वो इनवेरिएबली रिजल्ट करता है कस्टमर के अटेंशन को की कमी को, कस्टमर का जो अटेंशन होता है यहाँ पे वो कम हो जाता है। और मिनिमम डिग्री ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज नॉट सजेस्टेड फॉर कंपनी, मतलब जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन का जो मिनिमम डिग्री होता है वो यहाँ पे कंपनी को सजेस्ट नहीं किया जाता जो कि प्लान कर रहा है अपना बिजनेस को या ऑपरेशंस को इंटरनेशनली एक्सटेंड करने का, वो भी एक बिग वे में। अब बात करते हैं पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन की। The polycentric will prove ideal for firms seriously committed to international marketing and have the capacity to invest to the desired extent towards achieving their objective. तो पॉलीसेंट्रिज्म क्या होता है ना कि वो प्रूव करता है फर्म के लिए एक आइडल जो कि सीरियसली कमिट करता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, और उसमें ये कैपेसिटी होता है कि वो इन्वेस्ट कर सके एक डिज़ायर एक्सटेंट में अपना गोल को या अपना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज दैट इट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मोटिवेटिंग द मैनेजमेंट। तो इसका मेजर एडवांटेज इस टाइप का ओरिएंटेशन का ये होता है कि ये मोस्ट इफेक्टिव वे होता है मैनेजमेंट को मोटिवेट करने के लिए। सिंस द मैनेजमेंट इन ईच कंट्री इज गिवन अ फ्री हैंड इन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग देम। क्योंकि क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है इच कंट्री का, उसको एक फ्री हैंड दिया जाता है कोई भी पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। बिसाइड्स इट हैज़ अदर एडवांटेज सच एज द पॉसिबिलिटी ऑफ नोइंग द कस्टमर बेटर एंड मैक्सिमम डिग्री ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेशन। इसके अलावा इसका और भी एडवांटेज है, जैसे कि वो जो कस्टमर का जो कस्टमर को क्या होता है ना कि बेटर वो समझ सकता है, उसका बहुत सारा चांसेस होता है कस्टमर को अच्छी तरह से समझने का, और साथ ही साथ मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मैक्सिमम डिग्री होने का, मीन्स मैक्सिमम डिग्री ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट बात है इसमें कि जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में नॉट ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है वो पूरी तरह से प्रॉब्लम से फ्री नहीं है। ट्रीटिंग ईच ओवरसीज कंट्री एज अ सेपरेट एंटिटी में गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। क्योंकि ये मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को, ओवरसीज़ कंट्रीज़ को एक सेपरेट एंटिटी की तरह देखता है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का। इन सम केसेस इट में रिजल्ट इन टू मच ऑटोनॉमी टू नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू अवॉइडेबल डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ द फर्म्स एक्टिविटीज़ एंड वेस्टेज ऑफ फर्म। तो कुछ केसेस में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी रिजल्ट करता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि लीड करता है अवॉइडेबल डुप्लीकेशन, मीन्स डबल डुप्लीकेशन, मीन्स क्या होता है एक ही चीज़ को डबल डबल करना, डबल सिचुएशंस में आ जाना, मीन्स उस टाइप का चीज़ों को, और ओवरलैप करता है फर्म का एक्टिविटीज़ को जिससे कि फंड का भी वेस्टेज होता है। In fact, there may be competition between two national organization of the same firm for sales in the third country. In fact, क्या होता है कि वहाँ पर competition होता है दो national organization के बीच में same firm का, वो भी तीसरे country में sell करने के लिए। Some of the problems associated with polycentrism may perhaps be reduced by centralization and coordination of certain activities in the home office. तो कुछ प्रॉब्लम जो एसोसिएटेड है पॉलीसेंट्रिज्म से वो क्या होता है, परहैप्स रिड्यूस करता है सेंट्रलाइजेशन को और कोऑर्डिनेशन को कोई सर्टेन एक्टिविटीज़ का होम ऑफिस में। पॉलीसेंट्रिज्म में बी एन आइडियल अप्रोच इफ़ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन कंट्री। ये एक आइडियल अप्रोच तभी होगा जब कोई भी कंट्रीज़ के बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। But the growth of cross-cultural communication and emergence of regional and sub-regional grouping across national boundaries may severely limit the scope of adaptation of polycentric approach. पर क्या होता है, जो ग्रोथ होता है cross-cultural communication का और emergence होता है regional और sub-regional grouping का national boundaries के across,
वो क्या करता है, सीवियरली लिमिट करता है स्कोप को अडाप्टेशन का ऑफ पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। तो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का जो भी अडाप्टेशन का स्कोप होता है उसको लिमिट करता है। अब बात करते हैं रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन का। सिंस दीज ओरिएंटेशंस इम्प्लाई रीजनल और ग्लोबल एटीट्यूड टू द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग पॉलिसीज, दे प्रोवाइड फॉर इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो क्या होता है कि जैसे कि जानते हैं कि ओरिएंटेशंस जो है वो इम्प्लाई करता है रीजनल और ग्लोबल एटीट्यूड को, जिससे कि डेवलपमेंट होता है मार्केटिंग पॉलिसीज का, और वो प्रोवाइड करते हैं इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। बट द वेरी फैक्ट दैट पॉलिसीज आर टू बी एडमिनिस्टर्ड ऑन द रीजनल और वर्ल्ड वाइड बेसिस मीन्स दैट दीज पॉलिसीज इंटेल हाई कॉस्ट। पर सच्चाई ये है कि ये जो पॉलिसीज है वो एडमिनिस्टर्ड किया जाता है रीजनल और वर्ल्ड वाइड बेसिस पे, जिसका मतलब ये होता है कि पॉलिसीज को इंटेल किया जाता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे। बिसाइड्स इन बोथ केसेस नेशनल इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स में लिमिट द सक्सेस ऑफ द अप्रोच। जो मतलब दोनों केसेस में क्या होता है कि नेशनल इन्वायरमेंटल जो है वो कॉन्स्टेंट करता है, जो कि अप्रोच को सक्सेस में बाधा आ सकता है जिसके कारण। इनफैक्ट जियोसेंट्रिक अप्रोच में प्रूव मोर सक्सेसफुल इन एरिया सच एज प्रोडक्शन एंड रिसर्च देन इन मार्केटिंग। पर क्या होता है कि जियोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो बहुत प्रूव कर सकता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल कुछ एरियाज में, जैसे हो गया प्रोडक्शन का, रिसर्च हो गया, मार्केटिंग के जितना नहीं हो। मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग से ज़्यादा ये ज़्यादा जगह पे ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। मोर ओवर द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबल और रीजनल स्ट्रेटजीज इज क्रूशियल। तो जो रोल है इंफॉर्मेशन का वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है ग्लोबल और रीजनल स्ट्रेटजीज में, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत आता है, बहुत डिफिकल्टीज होता है। वन सफिशियंट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेंड अबाउट नेशनल मार्केट कंडीशंस, टारगेट सेगमेंट्स कुड बी आइडेंटिफाइड ऑन अ रीजनल और ग्लोबल बेसिस एंड अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज डेवलप। तो क्या होता है, एक बार जब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अडॉप्ट हो जाता है नेशनल मार्केट कंडीशंस का, तो जो टारगेट सेगमेंट्स होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है रीजनल और ग्लोबल बेसिस पे, और एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज तैयार किया जाता है। इट सीम्स दैट द अडॉप्शन ऑफ द टेक्निक EPR और G सीम्स टू डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। तो ये सभी चीज़ में डिपेंड करता है, जैसे हो गया साइज ऑफ फर्म, एक्सपीरियंस इन ओवरसीज मार्केट, एक्सटेंट ऑफ हेट्रोजेनिटी ऑफ द पोटेंशियल मार्केट एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो चलिए चारों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। साइज ऑफ द फर्म, द स्मॉलर द साइज ऑफ द फर्म द नियरर इट इज लाइकली टू बी एंथोसेंट्रिज्म, नॉट स्पेंडिंग मच ऑफ टाइम एंड मनी ऑन स्टडिंग द ओवरसीज मार्केट इन डिटेल, बट रैदर फोकसिंग इन ऑन ओवरसीज कस्टमर्स हुज नीड एंड इंटरेस्ट आर सिमिलर टू दोज ऑफ डोमेस्टिक कस्टमर। जो फर्म है वो जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ज़्यादा वो एंथ्रोसेंट्रिज्म होने का उसका ज़्यादा चांसेस रहता है, जहाँ पे पैसा और टाइम दोनों ज़्यादा वेस्ट ना हो ओवरसीज मार्केट को स्टडी करने में डिटेल में, बल्कि यहाँ पे फोकस किया जाता है कस्टमर के नीड्स पे, उसके इंटरेस्ट में, जो कि सिमिलर होता है डोमेस्टिक कस्टमर के, मतलब वैसा कस्टमर पे फोकस किया जाता है। लार्ज फर्म्स ऑन दी अदर हैंड में इन्वेस्ट एडिक्वेट रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट ओवरसीज मार्केट एंड देन अडॉप्ट द स्ट्रेटजीज दे में फाइंड सुटेबल आउट ऑफ दी अदर थ्री। तो लार्ज फर्म दूसरा तरफ क्या होता है कि वो इन्वेस्ट करता है एडिक्वेट रिसोर्सेज में, ओवरसीज मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, फिर उसको मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और फिर एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल हो तीनों में से। अब सेकंड, एक्सपीरियंस इन ओवरसीज मार्केट्स, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट मिनिमम रिस्क इज इन्वॉल्व इन द एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच, फर्म जस्ट एंट्रिंग ओवरसीज मार्केट में प्रेफर दिस अप्रोच। तो क्या होता है कि ये जानते हुए कि जो एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच है उसमें रिस्क बहुत कम होता है,
जो फर्म जस्ट एंटर किया करता है ओवरसीज मार्केट में, वो ऐसा अप्रोच को प्रेफर करता है। फर्म्स विच विथ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इन ओवरसीज मार्केटिंग में अडॉप्ट वन और मोर ऑफ दी अदर स्ट्रेटजीज। तो जो फर्म जो है वो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस जिसके पास है ओवरसीज मार्केट का, वो जो है वो अडॉप्ट करता है एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज को। बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ हेट्रोजेनिटी ऑफ द पोटेंशियल मार्केट। वेयर द पोटेंशियल मार्केट इज स्मॉल और होमोजीनियस, इट मे नॉट बी वर्थ वाइल टू डिज़ाइन सेपरेट स्ट्रेटजीज। जहाँ पे मार्केट का पोटेंशियल जो स्मॉल हो, होमोजीनियस हो, वहाँ पे सेपरेट स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करना वर्थ वाइल नहीं, बेकार नहीं होता है। एज ओवरसीज सेल्स ग्रो, इट मे बी पॉसिबल टू डिवाइड द मार्केट इंटू वेरियस सेगमेंट्स। जैसे कि ही ओवरसीज सेल्स जो बढ़ते लगता है, जो मार्केट का जो डिवाइड करना वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है, मार्केट को डिवाइड करना अलग अलग सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग, एंड डिज़ाइन सेपरेट स्ट्रेटजीज टू फॉर इच सेगमेंट। अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज को बनाना और कोऑर्डिनेट देम ऑन अ रीजनल और वर्ल्ड वाइड बेसिस, और फिर उसको कोऑर्डिनेट करना या तो रीजनल और वर्ल्ड वाइड बेसिस किसी पे भी। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वेयर डिज़ाइन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और प्रोडक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद कल्चरल पैटर्न्स आर लेस ससेप्टिबल टू द डेवलपमेंट ऑफ एथनोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक अप्रोचेस। तो ऐसा प्रोडक्ट जो कि डिज़ाइन किया गया है, मतलब इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर एक तरह से बोला जाए तो जो प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि कस्टमर जो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, कोई भी कल्चरल पैटर्न से जो भी एसोसिएटेड उसको किया जाता है। फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स में हैव टू बी मॉडिफाइड टू सूट द डिफरेंसेस ऑफ टेस्ट। तो फूड का प्रोडक्ट्स को मॉडिफाइड उस तरह से किया जाना चाहिए ताकि टेस्ट का डिफरेंसेस से पता, उसका टेस्ट का डिफरेंस पता लग जाए। ऑन दी अदर हैंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वेयर फंक्शनल यूटिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ का फंक्शनल यूटिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी अमेनेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ जियोसेंट्रिक अप्रोच। ऑल्दो इवन हियर डिफरेंसेस इन कस्टमर इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज में शो अप। तो हर जगह क्या होता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट और रिस्पॉन्स जो है वो अलग अलग होता है, तो ऐसा प्रोडक्ट का पैकेजिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर के टेस्ट और इंटरेस्ट को मीन्स फुलफिल कर सके। अब बात करते हैं उसके कुछ गाइडलाइंस हैं। तो EPRG फ्रेमवर्क प्रोवाइड सम यूजफुल गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजंस, दीज आर डिस्कस्ड बिलो। नंबर वन, देयर डज नॉट अपीयर टू बी एनी वन सिंगल ओरिएंटेशन विच कुड बी आइडेंटिफाइड एज सुपीरियर टू द अदर। तो इसमें से ऐसा कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है, कोई सिंगल ओरिएंटेशन नहीं है जो कि बता दे या जो बाकी के तीनों से सुपीरियर हो, ऐसा कुछ अभी नहीं है। सारा एक तरह से बोले तो सबका अपना एडवांटेज होता है, सबका अपना डिसएडवांटेज है, कुछ लिमिटेशंस हैं। ईच ओरिएंटेशन हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड लिमिटेशंस एंड द अडॉप्शन इन ईच इज़ डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरर। उसका जो अडॉप्शन होता है, हम लोग जो ओरिएंटेशन को अडॉप्ट करते हैं वो हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होता है। नंबर टू, द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन डिफर फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी एंड इज क्लोजली लिंक टू सच फैक्टर एज द इंडिविजुअल्स कंपनी फाइनेंशियल सिचुएशन प्रोडक्ट लाइन साइज ऑफ पोटेंशियल मार्केट एक्सेट्रा। तो जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है अडॉप्ट करने का कोई भी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को, वो कंपनी से कंपनी डिफर करता है, और ये सबसे ज़्यादा लिंक होता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि इंडिविजुअल का कोई भी इंडिविजुअल का कंपनी जो है उसका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, प्रोडक्ट लाइन कैसा है, पोटेंशियल मार्केट में का साइज कैसा है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। Each company is therefore advised to select the orientation suitable to it only after working out the cost-benefit ratio of each orientation. तो कंपनी को ये सब को कोई भी ओरिएंटेशन को सेलेक्ट करने के पहले एडवाइस किया जाता है कि वो उसके बारे में डिटेल में जान ले, उसका वर्किंग आउट मतलब कि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कैसा है, क्या है, कौन सा उसके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, द सुटेबिलिटी ऑफ अ गिवन ओरिएंटेशन में डिफर नॉट ओनली फ्रॉम कंपनी टू कंपनी बट ऑल्सो फ्रॉम वन मार्केटिंग डिसीजन एरिया टू अनदर विद इन द सेम फर्म। तो ये सिर्फ कंपनी से कंपनी डिफर नहीं करता है ओरिएंटेशन का सुटेबिलिटी, पर जो मार्केटिंग का डिसीजन एरियाज होता है वो फर्म के अंदर भी अलग अलग होता है,
तो वो फर्म के जो डिसीजन एरियाज होते हैं अलग अलग, तो उनका भी अलग अलग मीन्स ऑरिएंटेशन को सेलेक्ट करने का, अडॉप्ट करने का डिसीजन होता है। दस अ फर्म में अलाउ अ पर्टिकुलर ऑरिएंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फॉलोइंग ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केटिंग डिसीजन एरिया, बट मे फॉलो एन इंटायरली डिफरेंट ऑरिएंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एरिया। तो क्या होता है कि अदर मतलब जो डिसीजन एक एरिया के लिए है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा एरिया के लिए भी, वो जो डिसीजन एक कंपनी के ले रहा है ओरिएंटेशन को सेलेक्ट करने का, वो दूसरा कंपनी भी, तो सबका अलग अलग होता है, अपना देख करके अपना सोच समझ करके उसको एक ओरिएंटेशन को सेलेक्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, सबको समझ में आ गया होगा, सारे करेक्टरिस्टिक्स, सारे गाइडलाइंस जो कि EPRG ने फ्रेमवर्क किया था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे और सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगे उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।